सरोज जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका नमस्ते मैम, नमस्ते जी। सर। मैं इंदौर से नमस्कार। बोल रही हूँ, मेरी उम्र 30 वर्ष है। पहले तो मैं बताऊँ, मैं आपका दिन भर प्रोग्राम देखती रहती हूँ और सबको बताती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, इस नंबर पे कॉल करके ये जरूर मंगाओ। शुक्रिया मैम। और मुझे भी फायदा हुआ है, मैं नमक जैतून मंगाया था और जीरे का सिरका, तो बच्चियों को दे रही हूँ एलर्जी के लिए। ठीक कहती हूँ, जोर बताई सर ने, तो बेटी बोल रही है मम्मी मैं अब टेबलेट नहीं लेती, मेरे को फर्क है एलर्जी में। दूसरा मैं बेटे के लिए पूछा था, उसके पेट सही नहीं रहता, तो सर ने बताया था कि इसबगोल केले के साथ खाना है सुबह खाली पेट। तो मैंने 2 दिन वो दिया था, तो वो कह रहा मम्मी मेरे बहुत ज्यादा गैस बन रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जल रही हो अंदर से, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, देती रहूँ या बंद कर दूँ उसको, नमक जैतून ही दे, बताइए आप। और देखिए, ना तो केला गर्म है ना इसबगोल की भूसी गर्म है, और उसके बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि जल रहा है, तो दूध पिला सकते हैं उस पर, और धीरे धीरे फ़ायदा उनको होना चाहिए। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, दूसरों की भी सेवा कर रहे हैं। बेल का मुरब्बा या बेल पत्थर, बेल जिसे बेल पत्थर कहते हैं, इसका शरबत जितना बच्चा पी सके पिलाइए। ये दुनिया की बेहतरीन दवा है पेट और आंतों के लिए, और जिस तरह की परेशानी आपके बेटे को है, बेल का शरबत पिलाइए या बेल खिलाइए या बेल का मुरब्बा। ये तीन चीज़ों में से जो आसानी से अवेलेबल हो आप बच्चे को दीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा, काफ़ी मुतासिर हैं उसकी आंतें और मैदा, धीरे धीरे फ़ायदा मुमकिन है।